हम लोगों ने तो अपने नौजवानों को स्मार्टफोन और टैबलेट देना भी प्रारंभ कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट किया, हमने कहा भी 1 करोड़ नौजवान को दे रहे हैं, चिंता मत करो सरकार आने दीजिए, अगले 5 साल में 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का काम करेंगे। और केवल टैबलेट और स्मार्टफोन ही नहीं देंगे बल्कि डिजिटल एक्सेस भी फ्री में देंगे। उसको अपने घर से पैसे की जुगाड़ नहीं करनी पड़ेगी, पैसा भी सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। भाइयों बहनों, सरकार के विकास के लिए जो एक कार्य प्रारंभ किया है, आज उसका परिणाम है बुंदेलखंड तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और बुंदेलखंड में याद करिए, हम लोगों ने तो किसानों का कर्ज माफ किया था। और बुंदेलखंड की जब मैं बात करता हूं तो भाइयों बहनों, अकेले झांसी में 60,700 से अधिक किसानों का ऋण माफ हुआ था।